हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मेरा सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट डे हुआ कॉलेज के लिए और मैं तैयार हो रहा हूँ। बस ये थोड़े से बाल रह गए, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, तैयार हो जाओ। तो फाइनली मैं अपने कॉलेज के लिए निकल चुका हूँ और आज बहुत ठंड हो रही है फिलहाल। तो देखते क्या होता है कॉलेज में, बहुत ठंड हो रही है। तो देखो, पहुंच चुका हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ठंड हो रही है फिलहाल। तो पार्किंग स्टैंड पर आने वाला है, दिखा देता हूँ मैं भी आपको। वो सामने पार्किंग स्टैंड है, अभी पहुंचने वाले हैं बस। ये पार्किंग है हमारा, तो पार्किंग में देखते भी फिलहाल कोई है या नहीं। तो पार्किंग में मेरे को अपना एक दोस्त मिला है विजय, तो ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है बहुत ज़्यादा, और इंग्लिश होनर्स के अंदर इसने काफ़ी अच्छा मतलब नोट्स भी बनाता है और मेरे को भी बताता भी कैसे बनाना है। तो ये हमारे क्लास का सबसे मतलब अच्छा स्टूडेंट कह सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा है कि भाई इसे हेल्प भी करता है और मेरी भी काफ़ी हेल्प करी है एग्जाम में, मतलब नोट्स कैसे बनाने हैं, क्वेश्चन कैसे तैयार करने हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मिलेंगे आपको, वो सब बताएंगे अपना एक्सपीरियंस भी, कॉलेज का एक्सपीरियंस हमारा कैसा जा रहा है। ठीक है, तो हमारे कॉलेज के अच्छे ओनर स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ये तो आज कैसे लग रहा है अपनी क्लास में आके? अच्छा लग रहा है, काफी टाइम बाद आए हैं। हां हां, तो टीचर्स ने कुछ पढ़ाया है, कुछ लगा है कुछ पढ़ा रहे हैं? हां, कुछ पढ़ाया है बस, अब जाके 10 मिनट के लिए। जी जी जी, हमारी भी आज क्लास लगने थी पर क्या कि ओनर्स की क्लास लगी नहीं थी, क्योंकि ना टीचर कह रहे डिबेट है, कोई कोई कह रहे कि भी कंपटीशन है, फोटो ऑफ द पेंटिंग है ना, अलग अलग है ना, एग्जाम भी चल रहे हैं ना। हाँ एग्जाम भी चल रहे हैं, बीएससी के तो अभी एग्जाम भी नहीं खत्म हुए, फोर्थ फेब को खत्म हो गया ना। हाँ, तो आप कुछ बता दो आपको कॉलेज में मतलब क्या चीज़ अच्छी लगती है, मतलब किससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं? ज़्यादातर तो सर्दी में तो धूप नहीं। हाँ हाँ, सर्दी में तो टाइम स्पेंड करते हैं। लोन अपने तो लोन ही है कि सारा। हाँ लोन ही है, लोन एक सारा है हमारे बैठने के लिए। तो फाइनली अब मैं घर के लिए जा रहा हूँ, बस साइकिल स्टैंड पे आ चुका हूँ मैं, पार्किंग स्टैंड पर। और फिलहाल तो मेरा मूड बहुत ख़राब था, पर लेकिन अब ठीक हो गया है दोस्तों से मिलने के बाद। तो मुझे पता नहीं था कि भाई कॉलेज में आके मेरा मूड सही में ठीक हो जाएगा,